नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। कंप्यूटर अनुदेशकों यानी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती के बारे में मैंने आपको बताया था और इसकी एलिजिबिलिटी और बाकी डिटेल्स मैंने आपको बताए थे, लेकिन फिलहाल इसका सिलेबस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस और इसका एग्जाम पैटर्न ये भी जारी हो गया। अब इसको देख करके सबसे बड़ी चीज जो सामने आती है वो ये है कि इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के काफी कुछ जो संदेह था वो आपका दूर हो जाएगा। तो एक बार सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। चलिए एक बार मेरे साथ स्क्रीन की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको काफी सारे यूजफुल वीडियोस लगातार मिलते रहे। चलिए देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या कहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसके लिए जो शासन आदेश था वो जारी हो चुका। दो तरीके के पद हैं, पहला है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और दूसरा है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। अब इसको यहाँ हिंदी में मैंने बता दिया, इंग्लिश में कहेंगे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, और फिर यहाँ दूसरा जो पद है वो है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। पदों की संख्या देख लीजिए, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 9,862 और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 295 पद है। इनका कैडर देख लीजिए, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है वो जिला स्तर पर नियुक्त किए जाएंगे और जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है या फिर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है वो संभाग स्तर पर नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, ये इसका कैडर भी नियुक्त आ गया। अब इसकी जो नोडल एजेंसी है वो RSSB को बनाया गया है, यानी कि सारे काम अब यही करेगी। अब यहां फिर से एक लेटर जारी किया हुआ है, 17 अक्टूबर 2021 का ये लेटर है, जिसमें इसका पे मैट्रिक लेवल पदों की संख्या के बारे में दिया हुआ है। तो पे मैट्रिक लेवल यानी कि सैलरी जो है वो आप देख लीजिए, L8 का लेवल होगी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सैलरी L10 के हिसाब से रखी गई है। ये भी आपको क्लियर हो गया। तो इनका कैडर आपको फिर से बता दूं, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है जिला स्तर पर होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगे और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आपके संभाग स्तर पर या फिर आपके डिविजनल हेडक्वार्टर पर रहेंगे। ठीक है, अब यहां सिलेबस देख लीजिए, राजस्थान में जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती है उसमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम का सिलेबस है वो आप देख लीजिए। यहां आपको एग्जाम का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। पेपर फर्स्ट है इसमें, जिसमें आपको 100 नंबरों का पेपर होगा ये, जिसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे और 100 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 घंटे मिलेंगे, 100 नंबर होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। तो इसमें आपको राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास, आर्ट, ज्योग्राफी ये सब आएगा। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग और आपके एनालिटिकल एलिजिबिलिटी आएगी, एबिलिटी आएगी। फिर आपके डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का बिंदु है। फिर आपके जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, बेसिक न्यूमरोलॉजी इसमें। इसके अलावा आपके डाटा इम्पार्टमेंट का जो पार्ट है वो भी है, थोड़ा स्पष्ट नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। तो नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें आपकी। और अब इसके बाद आ जाता है इसके पेपर टू पर। तो देखिए, पेपर टू भी आपका 2 घंटे का होना है, 100 आपके क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल चॉइस होंगे और 100 ही आपके नंबर होंगे। ठीक है, ये आपका पेपर टू का पैटर्न है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस आप देख लीजिए, सबसे पहले नंबर पर आपकी पेडागोजी। तो पेडागोजी तो आनी है आपको, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आपको पढ़ना है, मेथड्स पढ़ने हैं सारी चीज। फिर आपके मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है इसमें। फिर है इसके आप में बेसिक न्यूमरोलॉजी इसमें आपके। फिर है डाटा इंटरप्शन है इसमें, ठीक है, डाटा इंटरप्शन भी दिया हुआ है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इसमें है, डाटा प्रोसेसिंग इसमें है, इसके अलावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल दिए हुए हैं, डाटा स्टैटिक्स एंड एल्गोरिदम है इसमें। फिर आपके कंप्यूटर ऑर्गेनिज्म एंड इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आपके कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंप्यूटर है इसमें। फिर आपके नेटवर्क सिक्योरिटी पर सवाल आएंगे। फिर आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर आएगा, यानी कि इसमें। और फिर आपके सिस्टम एनालिटिक एंड डायग्राम्स है इसमें, डिसीजन है इसमें, और इंटरनेट ऑफ हेल्थ एंड एप्लीकेशन है इसमें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एप्लीकेशन। थोड़ा क्लियर नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं आपको बता दे की। तो ये इसमें सिलेबस होगा आपका। तो इससे तो ये लग रहा है कि जो बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस से हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस से हैं, या इस तरह के जो जिसने कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, उन्हें ज्यादा यहाँ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ इसका सिलेबस हुआ। अब यहाँ सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस भी यहाँ पेपर 1 और 2 करीब करीब सेम ही दिया हुआ है। तो ये आपका दोनों का सिलेबस यहाँ क्लियर हो जाता है। तो बेसिकली कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती है, जिसको राजस्थान सरकार कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए कर रही है, इस नाम से कर रही है ताकि बीएड वाला या सीटेट वाला, टेट वाला ऐसा कोई झंझट नहीं रखे।
और पूरा जो सिस्टम है इसमें वो अपनाया गया है टेक्निकल एजुकेशन वाला। नोटिफिकेशन कब आएगा कुछ नहीं है क्लियर, लेकिन पद और उनका कैडर सृजित कर दिया गया है। पदों की संख्या करीब करीब क्लियर है, एग्जाम पैटर्न क्लियर है, सिलेबस क्लियर है और सिलेक्शन प्रोसेस भी क्लियर है। तो ये सब चीजें क्लियर है, अब केवल आपको नोटिफिकेशन का वेट करना है और क्लियर रूप से क्वालिफिकेशन का भी वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से कोई वीडियो बनाऊंगा जब और डिटेल सामने आएगा तब, क्योंकि फिलहाल इतना ही चीज है और ये चूंकि भर्ती पहली बार हो रही है इसलिए काफी कुछ अंधेरे में कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। हाँ ये जरूर क्लियर है कि आप किसी भी स्टेट से हो आप आवेदन कर सकते हैं और 10,453 के आसपास ये सीटें रहने वाली हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।